मजदूर करानी कर छे गिरो मजदूरी की या कैसो अरे कसले का मजदूर हमरा खामो कने बनिहार गाड़ी में आदमी कने खाम आ हमरा मुरे गई छे हमरा कने पाल न की नो लोग बोलते कने पड़े कने दुगा हमरा इन साहब को दो सरकार सरकार सामने कर छे कुछ नहीं कर छे सरकार नाम नाम रानी बेबा रानी मोसमास हां तो कने पाल न हमू इन जो आप देख रहे हैं ये सीमांचल की जमीन है। इस जमीन में अलग अलग पार्टियों के लगातार कई सांसद और कई विधायक रहे हैं। इस सीमांचल को 24 विधानसभा सीट है और 4 लोकसभा सीट है। 4 लोकसभा सीट में 4 एमपी जो चुने गए 1978 से अब तक वो नाकाम निकले और उनकी नाकामी बता रही है कि ये ज़मीन आज जुलाई के महीने में सूखी हुई है और इससे ढेल जैसा धूल उड़ रहा है। ये नाकामी क्यों है और ये बेकार नेता हमारे इस सीमांचल ही में क्यों आ गए, इसकी एक बड़ी वजह है। अगर ये महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट योजना जो 1978 की पास की हुई होती थी आज अगर मुकम्मल हो गई होती तो हमारी ये ज़मीन आज के इस जुलाई के बरसात के महीने में सूखी नहीं रहती। आज यहाँ हरा भरा धान का रोपनी हो चुका होता, लेकिन अगस्त आने वाला है, अब जुलाई ख़त्म होने वाला है। इस वक्त अमूमी तौर पर और साल फसल रोप करके तैयार हो जाता है, उसके बावजूद भी अभी रोपनी मुकम्मल नहीं हुई है और खेत सूखे हैं, क्योंकि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट ऐसा ही योजना था कि नहर नहर निकाल करके खेतों तक पानी पहुंचाना था और बिजली उत्पन्न करना था। तो हम पूछना चाहते हैं कि 1978 तक से अब तक वो 4 सांसद, उनमें से मुख्य रूप से जो ज़्यादा वक्तों तक सीमांचल के कटिहार लोकसभा सीट से जीत करके आए हैं, श्री तारिक अनवर 5 मरतबा इन्होंने जीत करके आए, और तस्लीमुद्दीन ये भी कई मरतबा तीन लोकसभा सीटों में अलग अलग मरतबा जीत करके लगातार सीमांचल के किंग कहलाए। फिर उसके बाद किशन पूर्णिया और किशनगंज से भी बहुत सारे लोग जीत के आए, जिसमें से किसी ने भी इस काम को नहीं किया, और वो 24 विधानसभा सीट के तमाम एमएलए नाकार साबित हुए, जिसकी बिना पर आज महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट योजना सिर्फ कागज़ों पर अटका है। सीमांचल के पूरे हिस्से में सुखाड़ इस तरह किसानों की जान ले रही है, जिस तरह बढ़ते पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत, इस बार भी किसान बेहाल हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आखिर किस तरह इस बार की अग्नि फसल उपजाई जाए। ये बताइए कि इस बार क्या क्या समस्याएं हो रही है? समस्या हर चीज़ का रेट तो ज़्यादा ही है, तेल का भी रेट है, पेट्रोल का भी है, पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट बढ़ गया, समझिए हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। एक बीघा खेती अगर आप करेंगे तो आपको लागत कितना पड़ेगा? कम से 5,000 से कम नहीं पड़ेगा। 5,000 कम नहीं पड़ेगा? नहीं। अभी डीजल का क्या रेट है? 110 चल रहा है यहाँ देहाती में। देहात में 110 चल रहा है। एक घंटे का ट्रैक्टर जुताई के लिए करेंगे क्या खर्च पड़ेगा? 900 लेता है। 900 लेता है? 900 क्या घंटा? घंटा कई चास चाहिए, कई घंटा? कम से कम खेती में कम से कम नहीं होगा तो 4 चास चाहिए कम से कम अग्नि का। हाँ, जो लीजिए इस हिसाब से। और कई लीटर डीजल चाहिए आपको एक सिंचाई के लिए? डीजल कम से कम मुझे एक बीघा में एक अग्नि पहले बार कीजिएगा तो आपको 5 लीटर लगेगा। अब एक बीघा में आपको 5 लीटर लगेगा ही लगेगा। और ये फसल आप तैयार करके बेचने जाएंगे मंडी को तो क्या रेट पड़ेगा? रेट नहीं चल रहा है, वही 1,000-1,200 चल रहा है। किसान का रेट है कहाँ? कोई भी सामान बेचने जाइएगा तो रेट से अधिक घटे ही चल रहा है। ये बताइए औसतन एक बीघा में आप कई क्विंटल धान उपजा लेते हैं? करीब 4-5 क्विंटल। 4-5 क्विंटल? 5 क्विंटल अगर उपजाए तो 5,000 रुपये लागत पड़ा, और पर क्विंटल अगर 5,000 हुआ तो आपका फायदा कहाँ हुआ? नुकसान हुआ। घटा ही चल रहा है। मजबूरी अपना है क्या, दूसरे का भी लगाते हैं तो वो भी घटा, अपना लगाते हैं वो भी घटा है।
बात ही है। और क्या सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग के यहाँ असल क्या सुविधा नहीं, मंडी नहीं है बगल में कि ताकि 10 टका दे करके काम करके फिर मंडी में दे सकते हैं। यहाँ कुछ है सुविधा? कुछ नहीं है। प्रकार आएगा कहे भाई 800 दीजिए, 1000 दीजिए, गुलाब तो नहीं जा पाएंगे 4-5 क्विंटल के लिए जा पाएंगे नहीं। वहाँ रेट है 1700-1800, यहाँ हमको 1000-1200 मिल रहा है। यही है घाटा नुकसान है इसको किसान का। क्या है सरकार से क्या मांग करेंगे अगर धान की रेट ने कीमत नहीं बढ़ती है तो? इस बार खेती करना ही तो उल्टा जान को बाजी लगाना होगा। मजबूरी होता है आदमी के अंदर में। क्या होता है किसान के अंदर में? मजबूरी है, कुछ नहीं है। नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? सब कोई दिल्ली पंजाब तो जाएगा नहीं, खेती तो करना पड़ेगा किसान को। आपका नाम? पवन कुमार शर्मा। पवन कुमार शर्मा कहाँ के हैं आप? कुमारीपुर। कुमारीपुर ही है? तो आप कुछ बढ़ी वगैरह का काम करते हैं या जात से? वो भी काम करते हैं। करते हैं। लगभग इस बार कितने बीघा की खेती करेंगे? करेंगे 4-5 बीघा। और क्या करेंगे? 4-5 बीघा करेंगे। क्यों करेंगे भाई 4-5? नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो जाएंगे क्या हम लोग? पंजाब दिल्ली थोड़ा जाएंगे, सब आदमी दिल्ली पंजाब थोड़ा जा पाते हैं। अपना अभी तो करना पड़ता है। ठीक है। फिलहाल सुखाड़ की वजह से किसानों की हालत टूटी हुई है, तो वहाँ मजदूरों की क्या हालत होगी ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ पहले इनको अच्छी से अच्छी दिन भर की मजदूरी का मुआवजा मिल जाता था, अब ये लोग नुकसान में जा रहे हैं। इनकी स्थिति आप देख सकते हैं, ये मजदूर हैं और खेतिहर ही मजदूर हैं। इनसे इनकी हालत जब मैंने ली तो बहुत दयनीय स्थिति थी। धूप में जो लोग खेतिहर मजदूर हैं, खेतों में जाकर के दिन भर काम करते हैं, वो भी मुनासिब रुपए काम करके नहीं कमा पाते हैं। उसकी वजह ये है कि धूप इतनी तेज है कि ज़मीन सूख करके फट चुकी है और ज़्यादा देर तक इस धूप में टिकना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं? हम जो है ये जो है पल्ली उखाड़ रहे हैं, बीज उखाड़ रहे हैं, ये धान बोलता है। इसे क्या करेंगे? इसे रोपनी करेंगे। और तो किसान भी हैं? किसान भी हैं। कितनी खेती? और किसान भी हैं, जन भी हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, सब करते हैं। तो कई कितनी बीघा इस बार खेती करेंगे? तो इस बार जो है हम लोग ऐसे तो घर का खेती नहीं है, आधी अधवार हम लोग बहाते हैं। छोटे तो किसान? हाँ, छोटे किसान हैं। तो हम लोग किसी के खेत जोतते हैं तो 2 बीघा 4 बीघा 1 बीघा 2 बीघा ऐसा ही जो है 5 बीघा तक जहाँ तक होता है जोत लेते हैं। कहे कि दे 100 रुपया तेल बिकता है, अभी बहुत महंगाई पड़ता है। उसके बाद जो है अभी 800 रुपया जो है बीघा जो है धान लगाना पड़ता है। तो 8 8 8 20 यानी एक यानी कैसे रुपया एकड़ पड़ गया? 2000 रुपया एकड़ पड़ गया रोपनी है कि नहीं? रोपनी 2000 रुपया रोपनी पड़ गया एकड़ में। और उसमें जो है 1000-1500-2000 टका जो है जोताई में पड़ता है ट्रैक्टर से। कई मरतबा जोतना पड़ता है? कम से कम 3 मरतबे जोतना पड़ता है, कम से कम 6-6 चास देना पड़ता है। हाँ। और डीजल कितना खर्च करना पड़ता है? डीजल जो है ऐसे सिर्फ सूखा खेत में जो है डीजल कम ऐसे जो है 8 लीटर बीघा पड़ जाता है। 8 लीटर बीघा डीजल का 8 लीटर बीघा जो है पड़ता है। तो अभी डीजल मान जाइए 100 रुपया, तो 800 भी पड़ता है। 2800 हो गया। 2800 हो गया। और ट्रैक्टर का? ट्रैक्टर का मान जाइए जो है बीघा में जो है 5 चास हो गया। 5 चास में जो मान जाइए उसमें जो है लगभग 2 घंटा रखिए। 2 घंटा? 2 घंटा मतलब 1900 ले रहे? 1000 रुपये ले रहे कि 800 ले रहे? 800 ले रहा है, अभी 800 चल रहा है। सूखे खेत में और पानी वाले में? पानी में वही जोताई चलता है, सूखे में वही जोताई चलता है। 800 बराबर चलता है, दोनों बराबर चलता है। चाहे रोटावेटर चलाइए, चाहे पीटीओ चलाइए, चाहे कल्टी चले, जो भी चलाइए 800 पड़ेगा। अच्छा, ये इतना सब जुड़ा है आज से 5 साल पहले या इस साल के सुखाड़ से पहले, अब कई हज़ार में एक एकड़ की ज़मीन की खेती कर लेते थे? कई हज़ार की
पहले के खेत में तो जो है पैसा का भी महंगाई था ना। हाँ। अभी पैसा जो है कुछ बढ़ गया है, कुछ ये हो गया है, तो अब जो है टाका रुपया जो है ज्यादा पड़ता है, ज्यादा पड़ता है। तो इनकम कितना नहीं होता है, इनकम फिर बराबर होता है बोल रहे हैं। हाँ, इनकम जो है बचता है नहीं, किसान को एक पैसा नहीं बचता है। ऐसे जो है ईठो उल्टा करके, उठो उठो उल्टा करके, ऐसा ही जो है चलता है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? चलता है लेकिन फायदा जो है लाभ नहीं होता है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपकी मेहनत मिलता है कि नहीं मिलता है? जो आप खुद एक किसान दिन भर खटता है उसका मिलता है? मेहनत जो है ऐसे जो है 300 रुपया मजदूरी मिलता है। हाँ, मजदूरी मिलता है। हाँ, अगर अपना खेत खुद से सब कुछ करें। हाँ। उतना ठो रुपए एक खेती करके मिलता है कि नहीं? उतना ठो जो है ऐसे जो है नहीं है? नहीं, ऐसे फायदा नहीं होता है। क्या करेंगे जो है अभी जो है बाहर भर्ती भी बंद कर दिया है सरकार। रेल भाई, रेल भी जो है किराया बढ़ गया जो है। बाद में जो है फैक्ट्री भी देहात में, मेरे देहात में नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई फैक्ट्री भी नहीं दिया है सरकार। हम लोग कैसे क्या करेंगे? ऐसे उलट पुलट करके जो है हम लोग गरीब मजदूर जो है खट करके कमा करके खाते हैं, रहते हैं, क्या करेंगे? सिंह, मेरे नाम जो है राम प्रसाद सिंह, मेरे घर जो है झामन परलिया दासग्राम है। ये खेत है मेरा, आप खेत देख सकते हैं, ये पानी की वजह से सूखा जा रहा है, जबकि ये बारिश का महीना है और यहाँ पे बारिश है नहीं, जिसके कारण मेरा खेत पूरा फटा हुआ है। ये ज़मीन देखें, अब फट गई है और ये पानी के बगैर फटी हुई है। ये कौन चीज़, क्या चीज़ बोया, रोपा गया है इसमें? ये इसे धान कहते हैं। ठीक है, ये हमने धान रोपा है, रोपनी किया है और धान अभी हाल ही रोपा है थोड़ी देर, कुछ दिन पहले। अगर बारिश नहीं होती है तो जो गर्मी जो धूप है इसके कारण ये पूरी खेती ख़राब हो जाएगी और ये जल के ख़त्म हो जाएगा। इस खेती में एक बीघा की ज़मीन पे 5,000 का समथिंग लागत आता है। आज से 8 साल पहले कम लागत था और इनकम ज़्यादा था, और आज ये आलम है कि लागत ज़्यादा है एक बीघा में और इनकम कम होने लगा है। तो सरकार से निवेदन है कि वो खेती किसानी पे और बिहार के कटिहार के जो किसान हैं इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें और इनका सहयोग करें, जैसे पानी का व्यवस्था कराएं। सरकार से ये मेरा मांग है।